again with a new vlog. This is Parthopal and you are watching Parthopal Aesthetics. Thanks for subscribing to my YouTube channel and thanks for love and support. आज का vlog काफी amazing होने वाला है as आज मैं legs train करने वाला हूँ. Legs में हम लोग high volume training protocol follow करने वाले, meaning heavy weight with lot of reps. Lot of reps का मतलब हम लोग 10 से 12 रेप के बीच में टारगेट करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगा एज वेल एज हम लोग हाइपरट्रॉफी को भी ट्रिगर कर पाएंगे. बॉडी बिल्डिंग इज अ मैराथन गाइस, जिसको मैं काफी आगे तक लेके जाने वाला हूँ. एज इन 6 महीने तक हम लोग बल्क करेंगे, उसके बाद लास्ट के 3 महीने में हम लोग कार्ब साइकिलिंग करेंगे एंड देन विल गो टू फैट लॉस. दिस इज द ट्रेनिंग प्रोटोकॉल आई एम फॉलोइंग. ऑल्सो गाइज, विंटर आर्क सीरीज नया लॉन्च करने वाला मेरे यूट्यूब चैनल में. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी एडिट हो चुका है, सून मेरे यूट्यूब चैनल में आने वाला है. ऐसी अमेजिंग वीडियोज, फिटनेस व्लॉग, पब्लिक क्यूएनए, मोटिवेशन वीडियोस में मेरे यूट्यूब चैनल में लाते रहता हूँ, सो स्टे ट्यून. ऑल्सो गाइज, आज के व्लॉग में मैं एक नेताजी लेक जाने वाला हूँ, जो कि मुंबई के नॉर्थ साइड में है. काफ़ी पीसफुल प्लेस है, जो डेली स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, लाइक ऑफिस, जिम एंड ऑल. वहाँ से मुझे काफ़ी रिलीफ मिलता है, काफ़ी स्ट्रेस मेरा बहुत होता है वो लेक में. बहुत शांत है वहाँ पे, शेर भी आते हैं गाइज, सो स्टे ट्यून. इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना. स्टार्टिंग द लेग वर्कआउट विथ सुमो डेडलिफ्ट. गाइस, सुमो डेडलिफ्ट एक कंपाउंड मूवमेंट है. लेग्स के साथ साथ, बैक के साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है टू लिफ्ट दैट वेट. यहाँ पे मैं 4 सेट लूंगा विथ 10-12 रेप रेंज. गाइस, व्हेन यू आर डूइंग हैवी वेट्स, हमेशा अपना फॉर्म एंड टेक्निक 1000% सही रखना. जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरा फॉर्म एंड टेक्निक एकदम सही है ऑल द वे अप एंड ऑल द वे डाउन. This is the fourth set, same weight लेंगे with 6-8 reps using mind muscle connection guys. Every rep should be the same. सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग का लेग एक्सटेंशन रहेगा. यहाँ पे मैं 15 से लेके 18 रेप रेंज टारगेट करूंगा यूजिंग माइंड मसल कनेक्शन. यहाँ पे हमें पंप को चेस करना है, पूरे क्वाड्स को ब्लड से भर देना है गाइस, बर्न कर देना अपने क्वाड मसल को. थर्ड एक्सरसाइज हम लोग का हैक स्क्वाट रहने वाला है. हैक स्क्वाट इज अ कंपाउंड मूवमेंट गाइस, जहाँ पे हमें हैवी वेट लोड करना है एंड जितना हो सके उतना रेप्स को पुश करना है, ट्रेनिंग टिल फेलियर. हैक स्क्वाट का मैं 4 सेट मारूंगा विद 10-12 रेप रेंज. फिनिशिंग द लेग वर्कआउट विद लंजेस. यहाँ पे मैं 4 सेट विद 20 रेप्स लेंगे. पोस्ट वर्कआउट में हम लोग मैस गेनर शेक बनाएंगे. मैस गेनर शेक बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 स्कूप ऑफ ओट्स लूंगा, यानी 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, 2 डेट्स डालेंगे एंड थोड़ा सा मिल्क. मैं थिक शेक प्रिफर करता हूँ, आप लोग मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो. बस इन सब चीजों को ब्लेंड कर देना है एंड तुम्हारा मास गेनर शेक इज रेडी. इसका मैक्रोस आपको स्क्रीन में दिख रहा रहेगा. बिगनर्स कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. ओमकार, व्हाट्स गोइंग ऑन, लुकिंग ग्रेट भाई. भाई क्या चमक रही है तेरी भाई. ओह माय गॉड, चमक तो अपन भी रहे हैं. यस, लॉन्ग टाइम बाद में ओमकार को मिला, आई एम सो हैप्पी.
सो अभी हम लोग छोटा सा एक लेक जाने वाले हैं वसई में, तो उसका ही हम लोग ने वीकेंड था तो चलो प्लान बना लिया। काफ़ी टाइम से प्लान था हम लोग का एक्चुअली। हाँ एक्चुअली नेताजी लेक विच इज़ एट वसई, राइट राइट राइट। अरे मुझे ये ग्रैंडमल मिला था, मतलब कॉल किया था उसने, मुझे बोला था वो हिल पे चलने के, वो क्या नाम है, हर हर फोर्ट। बट गाइस वो रात को हरी हरी हर हरी हर फोर्ट, वो रात को था इसलिए बोल के मैं गया नहीं था, और 80 डिग्री स्टीप भी है, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेट्स लीव गाइस। Guys, after a long time, welcome back to Pathopal Aesthetics. All charged up, guys. छोटा सा vlog बना रहे, lake जाने वाले। कौन सा lake? Hidden gems of Mumbai बोल सकते हैं या actually जहाँ वैसे ही विरार रहे, exactly पता नहीं है, तुम लोगों को इस चीज के बारे में लोग describe करते हैं, okay Hidden? 240 का fuel डाला है, let's see देखते कितना होगा। जन यहाँ से हिलने वाले और हम लोग यहाँ पे जाने वाले, भागो फिर जल्दी। बहुत स्वीट है, हम लोग के लिए छाता लेके आए। अरे तू, अरे यार तू पहचान में। निकले नेताजी लेक के पास से, हम लोगों को कुछ गांव वाले मिले थे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, उनसे ये बात पता चला कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की चीज़ें भी नोटिस की जा सकती है, विच इज़ वहाँ पे एक्चुअली पाथ जो है शेर के बारे में उन्होंने स्टोरी एक बताया था, जो चुपचाप आते हैं और पानी पी के वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, बट किसी को ऐसा हार्म नहीं किया, गाँव वाले वहीं पर रहते हैं हमेशा, मतलब तो गाँव वालों ने ये विटनेस किया ये चीज़, इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ बताई है उन्होंने। और वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक वेल था जिसके अराउंड हम लोग लेक के बहुत पास बैठ सकते थे, और हम लोग जाके एक्चुअली इंडीड बैठे भी वहाँ पे, बट बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। बहुत जो लोग पीस एडमायर करते हैं अपने लाइफ में, जिनको प्रेजेंट में जीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो लोग नेचर से कनेक्ट करना चाहते हैं अपना लाइफ, उन लोगों को डेफिनेटली वहाँ पे विजिट करना चाहिए। और एक एक बात, अकेले आओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अपने अपने साथ ऐसा कोई दोस्त लेके आओ जो पास लेके आओ, ये बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो लोगों के आसपास बैठते हैं वही ज़रूरी है हमारे लिए, और वही लोग हम लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और हम लोग आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं।
भाई ओमकार मीट सुन ब्रो। यस ये सबसे इम्पोर्टेंट था। चल बाय मैन।